स्वर्ग और नर्क की शिक्षा प्रद कहानी चारों ओर धरना प्रदर्शन नारेबाजी शोर और अराजकता का बोलबाला था यह देखकर यमराज वहां स्वयं पधारे और उन्होंने इसका कारण जानना चाहा पता चला कि ढेर सारे लोगों को यह शिकायत है कि उन्होंने अपने जीवन में बड़ा धर्म कर्म किया फिर भी उन्हें नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं जबकि बहुत से ऐसे लोगों को स्वर्ग का सुख मिल रहा है जिन्होंने धर्म कर्म पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था यह कहकर वे फिर चिल्लाने लगे उनका कहना था कि भगवान को बुलाओ वरना वे ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे अंतर्यामी विधाता भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए कुछ मनुष्य जब जीवित थे तब अपनी रक्षा के लिए तैनात की गई सेना पर पत्थर बरसाते थे और अब मरने के बाद भगवान और यमराज पर पत्थर बरसा रहे थे जब उन्होंने देखा कि उनके पत्थर तो भगवान और यमराज को छू भी नहीं पा रहे बल्कि फूल बनकर नीचे गिर जाते हैं तो उन्हें अपनी मूर्खता का पता चला और वे थक कर वहीं बैठ गए भगवान ने कहा कि उनके सामने एक एक करके मुकदमे लाए जाएं वे साथ साथ उनका हल करेंगे भगवान का दरबार लगा और सभी फरियादी उसमें एक एक करके कटघरे में प्रस्तुत होने लगे पहला फरियादी था रामलाल वह हर साल हरिद्वार से काबड़ यह उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में अत्यंत प्रचलित धार्मिक यात्रा है इसमें भक्त अपने कंधों पर कावड़ रखकर अपनी क्षमता अनुसार पैदल गोमुख या हरिद्वार तक जाकर गंगा जी का पवित्र जल लेकर आता है और सावन माह की शिवरात्रि को उसे मैदानी भागों में आकर भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाता है लेकर आता है और एक बार वह गंगोत्री तक गया था लेकिन इतनी धार्मिक यात्राओं के बाद भी उसे नरक में रहना पड़ रहा था भगवान के मुखमंडल पर बड़ा तेज था वे अपनी गंभीर किंतु शांत आवाज में बोले तो सभा में एकदम शांति सी छा गई उन्होंने कहा भक्तों किसी तीर्थ यात्रा पर जाने मात्र से पुण्य नहीं मिलता है इसका महत्व इस बात में होता है कि आपने अपने बुरे विचारों और बुरे कामों से छुटकारा पाया या नहीं आपने लालच मोह माया और स्वार्थ त्याग कर अच्छे विचारों और कामों को अपनाया या नहीं आपने साधु सत्संगियों से उपदेश सुनकर उन्हें जीवन में अपनाया या नहीं और ज्ञानियों के निकट बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त किया या नहीं जैसे स्नान करके मनुष्य के शरीर की हो हो जाती है, उसी प्रकार तीर्थ तीर्थ करके मन की हो जानी चाहिए। अन्यथा का पुण्य प्राप्त नहीं होता रामलाल बहुत बार कावड़ लाया लेकिन उसने हर बार अपनी यात्रा के पड़ावों पर कावड़ियों के स्वागत में होने वाले भोज का तो खूब आनंद उठाया लेकिन किसी सत्कर्म या सद्विचार की ओर ध्यान नहीं दिया इसलिए उसे नरक में रहना पड़ रहा है लेकिन उसकी यात्राओं का कुछ पुण्य तो उसे मिला ही जिसकी वजह से उसे नरक में रहकर भी घोर यातनाएं नहीं झेलनी पड़ रही हैं रामलाल निरंतर था दूसरी फरियादी एक महिला थी सुशीला उसकी शिकायत थी कि उसने जीवन भर केवल पूजा पाठ को ही महत्व दिया उसके आगे किसी की परवाह नहीं की फिर भी उसे नरक मिला भगवान बोले इसीलिए तो नर्क मिला क्योंकि तुमने पूजा पाठ के आगे किसी की परवाह नहीं की मतलब सुशीला ने आंखें चौड़ी करके कहा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें स्वर्ग के अंदर का नजारा दिखाता हूँ और यह कहकर उन्होंने सामने की ओर हाथ किया तो वहाँ उजाला छा गया और स्वर्ग के अंदर के लोग दिखाई देने लगे आश्चर्य सुशीला तथा अन्य लोग देखते रह गए वहाँ उन्हें बहुत सारे लोग आनंद पूर्वक विचरण करते दिखाई दिए भगवान बोले यहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए जो भी थोड़ा समय मिला उसमें मेरा नाम लिया और उन्हें जो कुछ मिला उसके लिए आभार व्यक्त किया देखो यह डॉक्टर संतोष यह इंजीनियर राजीव यह स्कूल टीचर रमाकांत यह घर घर काम करने वाली कांताबाई यह फौजी रमेश और यह सफाई कर्मचारी राजकुमार ये वे सब लोग हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया फिर भले ही वे लंबी लंबी पूजा पाठ न भी कर पाए हों इन्हें स्वर्ग मिला क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करना मेरी पूजा का सबसे अच्छा तरीका है प्राणी मात्र की सेवा के लिए किया गया कोई भी काम मेरी वर्षों की पूजा से श्रेष्ठ है देखो यह दंपति श्याम और नीरा ये दोनों चारों धाम यात्रा के लिए निकले ही थे कि इन्हें सूचना मिली कि श्याम के पिता को फालिज पड़ गया है जिन्होंने तुरंत अपनी यात्रा कैंसिल कर दी और घर जाकर पिता की सेवा सुसुर की वे यात्रा नहीं कर पाए किंतु उन्हें उसका पूरा पुण्य प्राप्त हुआ तभी वे आज स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं विद्रोह पर उतरे बहुत से लोग अब शांत हो गए थे क्योंकि उन्हें अपने सवालों के जवाब मिलने लगे थे अब बारी थी उन लोगों की जिन्होंने आतंकवादी बनकर जिहाद में हिस्सा लिया था उनके अनुसार उन्हें बहत्तर हुरों के साथ जन्नत का सुख मिलना चाहिए था पर उन्हें भगवान नहीं दिखाई पड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने कभी भगवान को माना ही नहीं था बल्कि खुदा को माना था मूर्ख मनुष्य नहीं जानते कि भगवान खुदा ईशा वाहे गुरु सब एक ही विधाता के अलग अलग नाम हैं उन्हें खुदा की आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई खुदा कह रहे थे एक खुदा के बंदो मेरे बच्चों तुमने कितने ही निरअपराध लोगों की हत्या की उनके जीवन को समाप्त करने के साथ साथ उनसे जुड़े अनेक लोगों की जिंदगी तुमने जहन्नुम जैसी बना दी फिर किस हक से तुम जन्नत पाने की उम्मीद रखते हो तुम्हें तो दोखज की यातनाएं भुगतनी ही पड़ेंगी सारे सर्वभागार में चुप्पी छा गई विद्रोह का आंधी तूफान ज्ञान की वर्षा से एकदम शांत हो चुका था स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गिक आनंद के झूलों में झूल रहे थे दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना धन्यवाद